रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम प्रेजेंट्स। हाय, क्या हाल चाल? अच्छा, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। वैसे तो मैं अकेला निकलता हूँ जब भी मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ या कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं अकेला नहीं, आज ये बच्चे हैं मेरे साथ और इनके साथ मिलके मैं लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, है ना? तो मेरे साथ रहिएगा और ये तो मेरे साथ रहेंगे। आर यू रेडी? यस, चलो जी, ओके जी, बाय बाय। आते हैं अभी, आते हैं, आते हैं। बेटे इधर आओ, आप अकेले हो? आपके मम्मी पापा वहां पे? हाँ। अरे वाह, तो आप अकेले घूम रहे हैं यहाँ पे? इधर आइए, आप अकेले घूम रहे हैं वहां पे? हाँ। चॉकलेट खाएंगे आप? अच्छी लगती है, मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, ये लीजिए चॉकलेट। वाह, अच्छा है ना? तो मम्मी पापा अंदर हैं और आप बाहर घूम रहे हैं अकेले? अरे वाह। अच्छा, मेरे पास ना एक कार है, बहुत अच्छी कार है, मेरे पास कार है, मैं उसमें घुमाने ले चलूं आपको? अरे मम्मी पापा मजाक करते हैं, अनजान के साथ जाना चाहिए, मैं भी जाता था अनजान लोगों के साथ, बहुत फन आता है। ठीक है चले, ये मेरी गाड़ी है, मैं आपको घुमा के लाऊं कहीं? मम्मी पापा मना करते हैं, तो हम एक काम करेंगे ना, गाड़ी में आपको बिठाऊंगा, फिर हम जब दूर लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे फिर मम्मी पापा को फोन करेंगे और मम्मी पापा को सरप्राइज मिल जाएगा, है ना? तो आप चलोगे मेरे साथ घूमने? अभी आ जाएंगे, मेरे पास चॉकलेट भी है गाड़ी में, अंदर बहुत सारे टॉयज और चॉकलेट्स हैं। नहीं, मम्मी पापा तो मेरे भी मना करते थे, लेकिन मैं जब घूमने जाता तो मुझे बहुत मजा आता था, है ना? आ जाओ अंदर, है ना? आ जाओ, आ जाओ। हाँ भैया, पार्किंग। चलो बेटा घूमने चलते हैं। हाँ, इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है, क्या बात करनी है? ये अंकल नहीं बोल रहे कुछ, इधर आइए। आपको पता है ये क्यों नहीं बोल रहे? ये बेटा इसलिए नहीं बोल रहे, ये जब बोलेंगे, जब इनके घर का कोई बच्चा ऐसे उड़ जाएगा जैसे मैं आपको ले जा रहा हूँ ना, भाई साहब आप एक बात बताएंगे, आपने ये देख लिया था ना कि ये बच्ची मुझे जानती नहीं है, मैं भी इसको जानता नहीं हूँ, और मैं इसको गाड़ी में बिठा के ले जा रहा हूँ और आप फिर भी चुप रहे। आपने ये भी देख लिया था कि मैंने इसको चॉकलेट दी और ये मुझे जानती नहीं है। ये भी कह रही थी कि इसके मम्मी पापा मना करते हैं किसी अनजान आदमी के साथ जाने में। आपने ये भी सुन लिया कि मैं इसको चॉकलेट दे रहा हूँ। आपने ये भी सुन लिया मैं इसको गाड़ी में बिठा के ले जा रहा हूँ। आपने इग्नोर कर दिया सब कुछ। नहीं, वैसे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं नवेद हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा था, लेकिन सोचिए ये भी हो सकता था कि ये वीडियो ना होता। अगर ये वीडियो ना होता तो क्या होता है इसका और क्या होता है इसका माँ बाप का? तो प्लीज रेज योर वॉइस, कभी इग्नोर मत करिएगा। बेटा आप जानते हो इनको, आप कैसे किसी अनजान को ले जा सकते हैं अपने साथ? नहीं, मैं ये तो घुमाने ले जा रहा हूँ ना भाई साहब। कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? बेटा आप जानते हैं इनको? नहीं, छोड़िए, गलत है ये। देख लिया आपने, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताना पड़ रहा है कि कितना इग्नोर करते हैं हम। आपको मालूम हमारे देश में एक साल में आपके इग्नोरेंस की वजह से हजारों बच्चों को किडनैप किया जाता है। हमारे देश में एक साल में आपके इग्नोरेंस की वजह से हजारों बच्चों को रेप किया जाता है। आपके इग्नोरेंस की वजह से चाइल्ड अब्यूज किया जाता है। आपके इग्नोरेंस की वजह से इस देश के हजारों माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तरसते रहते हैं सिर्फ आपकी इग्नोरेंस की वजह से। आपको मालूम है, जरा सोचिए, प्रदुमन को जिसने भी मारा होगा वो वहां पे होगा, और कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसने ये देखा होगा कि प्रदुमन उसकी तरफ जा रहा है, अनजान आदमी की तरफ, और उसने इग्नोर कर दिया होगा। अगर सोचिए वो इग्नोर ना करता तो आज प्रदुमन हमारे साथ होता। अब ऐसा किसी के साथ ना हो, प्लीज इग्नोर मत करा करिए, बताया करिए, लोगों को रोका करिए। और एक खास बात, अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया, ये वीडियो दूसरों तक नहीं पहुंचाया, इसका मतलब एक बार फिर आपने इग्नोर किया। तो इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपके बच्चे को कोई किडनैप करने की कोशिश करे, है ना? तो प्लीज बच्चों को सेफ रखिए, आप खुद सेफ रहिए और ख्याल रखिए। बाय।